वेल हे गाइस, दिस इज कस्टमाइज्ड वैभव। और आज हम किसी की आरएनडी नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने इसका टचअप देने वाले हैं। मतलब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि पार्ट वन था, इसमें हमने सब कुछ खोल चुके हैं हम और पीसीस पड़े, और मैं आपको बता रहा हूँ कौन से पीसीस कैसे कैसे हुए। मैं जानता हूँ ये पार्ट थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खोल रहा था आप देख रहे हैं जो पीसेस, ये पीसेस बहुत मुश्किल से निकले थे। फिर मुझे पता चला कि इसका बैक पैनल निकल सकता था और मुझे इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरा हो गया था दिमाग ख़राब और मैंने इस वीडियो को पॉज कर दिया वहीं पर। तो अभी हम जल्दी से आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या है इसमें। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो ये हमारे पार्ट्स है जो ऊपर कवर्स होते हैं उसके, और फिर यहाँ पर है हमारा बॉडी, एक प्लास्टिक बॉडी, फिर यहाँ पर नॉर्मल पार्ट्स है, यहाँ पर क्लिप है, यू कैन सी फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा इनको साइड में, और कुछ बहुत ही स्मॉल स्क्रूज है जो कि बहुत सारे थे। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेकआउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड एडजस्ट द कैमरा। और अब यहाँ पर आते हैं मेन चीज़ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर जो मैं नहीं निकाल पाया था, यहाँ पर स्टोरेज है, स्टोरेज आपको पीछे से दिखाता हूँ, रुकिए। अभी यहाँ पर स्टोरेज आपको मिला होगा, स्टोरेज, ये बैक पैनल इसका, मेरे ख्याल से बैक पैनल, हाँ ये बैक पैनल है, और ये स्टोरेज यहाँ का, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टोरेज है, ये हमारे सारी फ़ोटोज़ वीडियोस को स्टोर करके रखता है। और यहाँ पर हमारी स्क्रीन, स्क्रीन जो कि अंदर से लेयर्स की बनी होती है, एक ग्लास टाइप है। एंड अभी हम आपको मेन चीज़ दिखाते हैं जिसकी जगह हमने इतना खोला था इसे, ये है हमारा कैमरा जो कि बैक कैमरा है, क्लिप से निकाला है हमने, हमें इसे तोड़ा नहीं है। और ये हमारा फ्रंट कैमरा, बहुत ही स्मॉल है, इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए मैं इसको ग्लास से दूर कर देता हूँ, वैसे ही ग्लास मैं कोई गार्डन में नहीं बना रही, फेक ग्लास है। एंड ये हमारा बैक पैनल, और यहाँ पर कुछ क्लिप्स टाइप, उसको भी इधर रख देते हैं। और ये हमारा बैक पैनल है, इसमें नीचे गिरती जा रही चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें इसमें। और यहाँ पर एक और क्लिप जो कि तोड़ चुके हैं हम, और यहाँ पर है हमारे मोटर, मोटर जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ये मोटर ऐसे वैसे मोटर नहीं, आप देख रहे हैं इसकी निप थोड़ी सी टेढ़ी सी है, मतलब यहाँ से प्लेन और यहाँ से ऊबड़ खाबड़, इससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है जब ये बहुत तेज़ चलता है। और यहाँ पर हमारा म्यूज़िक सिस्टम का, सॉरी कैमरा हिल रहा है, और ये म्यूज़िक सिस्टम का जो प्लग होता है ये, और यहाँ पर पीसीस गिरे पड़े हैं। और अब यहाँ देख सकते हैं एक और क्लिप, और यही है सारी चीज़ें। तो और ये हमारा मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मैग्नेटिक है कुछ, क्योंकि यहाँ स्क्रू चिपक रहा है, अंदर मैग्नेटिक है। एंड और ये हमारा, ये भी एक प्लास्टिक पीस, एंड मेरे ख्याल से मोटर इधर कोई, मैं मोटर दिखाता हूँ आपको, इधर ये ऐसे ही है, ये जो मोटर यार मेरे ख्याल से ये, हाँ एक तो ये है हमारा क्लिप जो कि इससे टूटी पड़ी थी, और यहाँ पर मोटर थी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको, ये जो क्लिप है ना ये कनेक्ट करती है हमें इस फ़ोन से जो कि मेन मदरबोर्ड होता है। एंड मेरे ख्याल से कहाँ गया हूँ, इतना सारा सामान है कोई पता भी नहीं चलता। यहाँ पर पीसी से पीसी था, मेरे ख्याल से मोटर कोई थी नहीं, मेरे ख्याल से यही मोटर थी,
या फिर कोई और थी, यही मोटर थी, मैं इसी मोटर की बात कर रहा था, आई एम सॉरी। एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टोरेज एंड ऑल, मदरबोर्ड, ये पूरा मदरबोर्ड है। एंड पीछे से आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। एंड आज के लिए शायद से इतना ही, क्योंकि मैं इसको जस्ट रिकैप देना चाह रहा था, क्योंकि मेरा पूरा रिकैप ख़त्म नहीं हुआ था ना, इसलिए। तो यहाँ पर ये है, कुछ आपको मेन पीसेस दिखा देता हूँ मैं। ये हो गया, फिर ये हो गया, कैमरा तो मेन ही मेन है। मेरे ख्याल से जो भी फ़ोन खरीदता है ना, सबसे पहले कैमरा देखता है कितने मेगापिक्सल का है। तो ये हमारे ये हैं, ये सब मेन पार्ट्स हैं इसके, इसको साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मदरबोर्ड, यही सबसे तगड़ी चीज़ है जो कि पूरे फ़ोन को मेंटेन करके रखती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, दिस इज़ कस्टमाइजर वैभव साइनिंग ऑफ।